अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मुतील हसन और आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर अहमद अजीज तारड ने रिसर्च सिट्रस सेंटर सरगोधा का दौरा किया और किनो समेत दीगर पैदावार बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए महकमा ज़राअत और दीगर अदारों को काश्तकारों को दौरे हाजिर की जदीद सहूलतों से रोशनास कराने के लिए दही इलाकों में आगाही सेमिनार मुनक़द करवाने का कहा। मज़ीद तफसील जानते हैं सरगोधा से मोहम्मद बिलाल की इस रिपोर्ट में। रिसर्च सिट्रस सेंटर सरगोधा के दौरा के मौका पर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर अहमद अजीज तारड़ का कहना था कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए दौरे हाजर की जदीद सहूलतों से इस्तफादा की जरूरत है। पाकिस्तान के काश्तकार न सिर्फ मेहनती हैं बल्कि वो मतलूबा अदाफ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। हमें चाहिए कि काश्तकारों को दौरे हाजर की जदीद सहूलतों से रोशनास कराने के लिए दही इलाकों में सेमिनार और उन्हें आगाही देने के लिए महकमा ज़राअत और दीगर अदारे अपना किरदार अदा करें। बुनियादी तौर पे तो यहाँ पे जो किन्नो और माल्टा और इसकी जो वैराइटीज़ हैं, जो लिम्बू है, उसकी वैराइटीज़ के ऊपर काम हो रहा है और बड़ा बेहतर ये काम कर रहे हैं। उसमें नई वैराइटीज़ भी बना रहे हैं और उसमें सारे साल में हम मुख्तलिफ़ किस्म के किन्नो, लिम्बू या मीठा, उससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और कौन सी वैराइटीज़ हैं जिसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल ज़्यादा है और ज़िम्मेदार को किसकी कौन सी वैराइटी जिसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, उसके ऊपर बड़ी अच्छी रिसर्च हो रही है। डीजी मोहम्मद नवाज मेकन, डायरेक्टर ज़राअत चौधरी मोहम्मद शाहिद, इंचार्ज सिट्रस सेंटर मलक मोहम्मद इसान और दीगर ने किन्नू समेत दीगर पैदावार बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान में बरवक्त अगाई से हम ज़रई अजनास के अदाब को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि दौरे हाजिर में जो सहूलियात दीगर ममालिक को हासिल हैं, वही सहूलतें हम अपने काश्तकारों को फराहम करें। इसके लिए हम अपने रिसर्च सेंटर को फाल करें ताकि काश्तकारों को आगाही फराहम करने में मदद मिल सके। इस पर सेक्रेटरी ज़राअत और दीगर ने सिट्रस सेंटर में किन्नू समेत दीगर अकसाम की नुमाइश भी देखी और रिसर्च सेंटर में मुख्तलिफ किन्नू के पौधों का मुआयना भी किया।